अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीचर एजुकेशन। मैं हूँ रबिया। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी पहली कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी जो है जिक्सो। तो फिर स्टार्ट करते हैं। जिक्सो स्ट्रेटजी। जिक्सो स्ट्रेटजी में हम स्टूडेंट्स को जिक्सो पजल की तरह अरेंज करते हैं। सबसे पहले अगर आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं तो आप ग्रुप्स ऑफ 4 या ग्रुप्स ऑफ 5 बना सकते हैं। अगर आप ग्रुप्स ऑफ 4 बना रहे हैं तो आप उनको नंबर देंगे। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट जो आपके 4 स्टूडेंट्स हैं वो 1, 2, 3, 4, देन अगेन 1, 2, 3, 4, देन अगेन 1, 2, 3, 4। इन दिस वे यू विल गेट 5 ग्रुप्स ऑफ 4। तो 5 ग्रुप्स बनाने के बाद आप उनको ग्रुप में बैठने के लिए अलाउ करते हैं। वो एक ग्रुप में बैठेंगे सब। उसके बाद अपने अपने ग्रुप में बैठने के बाद आप उनको एक क्वेश्चन देंगे। आप उनको एक क्वेश्चन भी दे सकते हैं, आप उनको एक टॉपिक भी दे सकते हैं, एक सब टॉपिक। अगर आपको एक कंप्लीट चैप्टर कवर करना है तो आप उसके 5 डिफरेंट सब टॉपिक्स लें और हर ग्रुप को एक सब टॉपिक दे दें। या फिर अगर कोई और आपके पास प्रोजेक्ट है, कोई और काम आप उनसे करवाना चाहते हैं, तो हर एक में एक एक टॉपिक को आप डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद आप उनको कुछ वक्त दें कि वो आपस में उस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट को अपनी बुक में से पढ़ें, चाहे तो लाइब्रेरी में से बुक ले आएँ या इंटरनेट पर सर्च करें। इस तरह आपकी क्लास में इस वक्त आपने 5 सब टॉपिक्स हर ग्रुप को दे दिए। और आपको इस वक्त फैसिलिटेट करना है हर ग्रुप को, उसको सुपरवाइज करना है कि हर स्टूडेंट उसमें किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं या जो हाई अचीवर्स होते हैं हमारी क्लास के, वो दूसरों को इतना कंट्रीब्यूट नहीं करने देते। उसके बाद आप उन 4 स्टूडेंट्स को 1, 2, 3, 4, एक 1 जिसको आपने नंबर 1 दिया है वो नेक्स्ट ग्रुप के 1 के साथ, और उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप के 1 के साथ, इस तरह आपके 5 1 होंगे। ऑब्वियसली आपके पास 5 ग्रुप्स हैं तो उसमें हर ग्रुप में एक नंबर 1 होगा। उनको आप एक साथ बिठाएं, नंबर 2 को एक साथ करें, नंबर 3 को साथ करें और नंबर 4 को साथ करें। इस तरह आपके पास अब 4 ग्रुप्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स बन जाएंगे। ये ग्रुप बनने के बाद ये इस ग्रुप में जाके जो नॉलेज उन्होंने अपने फर्स्ट ग्रुप में ली थी उसको शेयर करेंगे। जैसे अगर आपने फर्स्ट ग्रुप में टॉपिक दिया था प्लांटेशन का, तो फिर ये नंबर 1, पहले ग्रुप का नंबर 1 जो बच्चा है वो अपनी नॉलेज दूसरे के साथ शेयर करेगा, फिर दूसरा बच्चा शेयर करेगा, फिर तीसरा शेयर करेगा। इस तरह से ये सब एक दूसरे से लर्न करेंगे। इस स्ट्रेटजी का फ़ायदा ये है कि स्टूडेंट्स में एक कॉन्फिडेंस होता है, उनको पता होता है कि उनको इसको स्टडी करना ही है क्योंकि उनको दूसरे ग्रुप मेट्स के साथ ये शेयर करना होगा। आप इसमें एक और तरीका भी कर सकती हैं। जब स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ग्रुप में अपने 4 ग्रुप मेट्स के साथ टॉपिक को अच्छे से स्टडी कर लिया, तो फिर आप उनको चांस दे सकती हैं कि वो क्लास में फ्रंट पर आएं और उस टॉपिक को प्रेजेंट करें दूसरों के साथ। इस तरह से भी दूसरे स्टूडेंट्स उनसे लर्न कर सकते हैं। अगर आप प्रेजेंटेशन ले रही हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फिर आपको हर स्टूडेंट की इंडिविजुअल एफर्ट्स को भी काउंट करना होगा। इस तरह आप उनको असिस्ट कर सकते हैं। दिस पिक्चर विल मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले आप उनको एक फर्स्ट ग्रुप में डिवाइड करेंगे, 4-4 के यहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं। उसके बाद आप उनको टॉपिक देंगे डीपली स्टडी करने के लिए, और फिर आप सेकंड स्टेप में उनको रीग्रुप करेंगे ताकि वो अपनी नॉलेज को दूसरे ग्रुप मेट्स के साथ जाके शेयर कर सकें। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग द जिक्सो मैथड। जिक्सो मैथड यूज़ करने के कुछ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो जब स्टूडेंट को पता होता है कि वो एक पर्टिकुलर टॉपिक इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसको दूसरों को टीच करना है, तो वो वैसे ही उसको बहुत सीरियसली लेता है। स्टूडेंट्स टेक ओनरशिप, दे इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। ऑब्वियसली व्हेन दे वांट टू शेयर देयर थॉट्स विद देयर टीममेट, दे कम्युनिकेट एंड देयर कम्युनिकेशन स्किल्स गेट बेटर। दे लर्न टाइम मैनेजमेंट, दे आस्क क्वेश्चंस टू क्लैरिफाई, दे गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू ईच अदर। इवन वो अपने आप को भी देखते हैं कि अगर जब प्रेजेंटेशन में दूसरे स्टूडेंट्स बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं तो वो अपने आप को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। दे बिकम कॉन्फिडेंट व्हेन दे प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ अ ग्रुप और इन फ्रंट ऑफ होल क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन शेयर इट विद अदर्स एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।